हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर, जो कि इंडिपेंडेंट फ्लोर है। ये फ्लोर पे एक ही फ्लैट बना हुआ है। ये बाहर का व्यू देख लीजिए आप, ये बाहर का व्यू है। ये सामने आपका पार्क है, एक बार पार्क दिखा देता हूँ मैं। ये सामने आपका पार्क है, पूरा सामने पार्क है। और बिल्डिंग का व्यू देख लीजिए एक बार आप। ये हमारी बिल्डिंग आ गई। अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर, इंट्री करते हैं। तो यहाँ से हमारी इंट्री है। यहाँ पे आपका मोटर लग जाएगा गंगा वाटर का। यहाँ पे इन स्विच दे रखे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं फ्लैट। तो ये हमारा फ्लैट का व्यू एक बार देख लीजिए। एंट्री करते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार वॉल पे वो फॉल सीलिंग का काम हो रखा है। हमारा यहाँ पे स्विच आ जाता है। अब चलते हैं फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं। सामने हमारा किचन है। किचन भी बहुत ही प्यारा है। सामने किचन आ जाता है। यहाँ पे आपको वॉलपेपर या टेक्सचर जो भी आप बोलेंगे वो लगवा कर देंगे। एक बार देख लीजिए। और यहाँ हमारा बहुत प्यारा LED पैनल आ जाता है, जो कि LED पैनल ये है। और यहाँ पे हमारा वॉशरूम है। एक रूम बैक में है और एक रूम फ्रंट पे है। तो हम बात करते हैं अब किचन की। तो किचन में चलते हैं। ये हमारा किचन है। मॉड्यूलर किचन होने वाली है। जो भी काम हुआ है पत्थर का हुआ है अंदर, ताकि सड़े गले नहीं। यहाँ हमारा सॉफ्ट आ जाता है। ये हमारा आ जाता है चिमनी, ओ RO के लिए। यहाँ पे फ्रिज का पॉइंट दे रखे हैं हम। अब बात करते हैं हम कॉमन वॉशरूम की। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो कि कॉमन वॉशरूम का भी साइज अच्छा है। हम चलते हैं पीछे वाले रूम में। तो ये हमारा रूम की एंट्री है। यहाँ से अब चलते हैं रूम के अंदर। ये हमारा रूम है। रूम का साइज देख लीजिए आप एक बार। रूम का साइज भी काफी अच्छा है। ये हमारा अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे अटैच वाशरूम एक बार देख लीजिए। अटैच वाशरूम का साइज उससे बड़ा है, जो कॉमन वाशरूम था उससे जैसे अटैच वाशरूम का साइज बड़ा है। फॉल सीलिंग इसमें भी हो रखी है प्यारा सा। काम बहुत ही शानदार हो रखा है। सभी टाइल्स लगा कर देते हैं। इसमें आपका देख रहे पत्थर लगा हुआ है नीचे, ये पत्थर है पूरा। इसमें भी आपको TV पैनल मिल जाता है। और आपको यहाँ पे स्पीड AC का पॉइंट मिल जाता है, जो कि स्पीड AC का पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ आपकी अलवेरा आ जाती है, जो कि सेपरेट अलवेरा है। तो रूम का साइज अच्छा निकला है। ये हमारी अलवेरा आ जाती है। और एक बार कर
आपको हम दिखा देते हैं इसका फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग भी बहुत ही प्यारा है, पॉप लाइट लग चुकी है इसमें। यहाँ पे हम टेक्चर या वॉलपेपर जो भी आप प्रोवाइड करेंगे वो लगा करके देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे रूम की, तो एक बार रूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा रूम आ जाता है। तो ये भी रूम का साइज अच्छा है, देख लीजिए रूम का साइज। ये सामने अलवेरा आ जाती है हमारी, फुल सीलिंग का काम आप एक बार देख लीजिए। और सबसे बेहतरीन को काम यह है कि आपको तीन एलईडी पैनल दोनों रूम में और हॉल में, तीनों में आपको एलईडी पैनल मिल जाता है। इसमें काम बहुत ही प्यारा हो रखा है, काम बहुत ही लाजवाब है, काम में कोई शिकायत नहीं है। पूरा टाइल्स की जगह पे पूरा पत्थर का काम हो रखा है, पूरा पत्थर का काम हो रखा है इसमें, पत्थर का काम हो रखा है। ये हमारी बालकनी आ जाती है, बालकनी में यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट दे देते हैं हम, जो कि वॉशिंग मशीन के लिए है। आप एक बार देख लीजिए बालकनी, ये हमारी बालकनी है। बालकनी में भी काफी अच्छा काम हो रखा है, देख लीजिए आप। और सामने का व्यू देख लीजिए, ये पार्क है हमारा। गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये फ्लैट होने वाला है, गेटेड कम्युनिटी में, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है। काम जो है इतना अच्छा करा रखे हैं, कोई भी बिल्डर इतना प्यारा काम नहीं देगा। कोई भी बिल्डर आपको टाइल्स लगवा कर देते हैं, पत्थर लगवा कर नहीं देते हैं। इसमें पत्थर लगा हुआ है नीचे, टाइल्स जगह पे पत्थर लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं ये पत्थर है, पत्थर लगवा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। 2 BHK फ्लैट।